बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में लाहौरी चरगे की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए देखते हैं कि लाहौरी चरगा बनाने के लिए हमें कौन सी चीजें रिक्वायर होंगी। अब हम मुर्गी को कट लगाने लगे हैं ताकि इसमें मसाला अच्छी तरह रच जाए। एक पाव मैंने दही ली है, एक चिकन के लिए मैंने एक पाव दही ली है, सिरका आधा कप, लहसुन अदरक का पेस्ट 3 चम्मच, अजवाइन 1/4 चम्मच, सूखा धनिया 2 चम्मच, काली मिर्च 1/2 चम्मच, मछली मसाला 1 चम्मच, चाट मसाला 1/2 चम्मच, फूड कलर यानी कि जर्दा रंग 1/4 चम्मच, सुरख मिर्च 2 चम्मच, नमक हसबे जायका लेकिन मैंने 1 चम्मच लिया है, हल्दी 1/2 चम्मच। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह मैंने चिकन को मसाला लगाना है। अब उसकी तैयारी करते हैं। अब सबसे पहले मैं सिरका लगाऊंगी। अब मैंने सिरका अच्छी तरह लगा लिया है। अब मैं सबसे पहले दही लूंगी, दही का इस्तेमाल करूंगी, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी और ये सब मसाले मिक्स कर दूंगी, सब मसाले डालने लगूंगा। अब मैं इस मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। अब अच्छी तरह चिकन के ऊपर मैंने लेप करना है। मैं इसे 24 घंटों के लिए फ्रीजर में रख, यानी के रात दिन। ये देखें व्यूअर्स, हमने इसको पूरी रात जो है वो मैरिनेट करके फ्रीजर में रख दिया था, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। अगर आपने असल लाहौरी चरगे मजा लेना है तो फिर आपने इसको लाजमी 24 घंटे के लिए रखना है, ये 2-4 घंटे वाला काम नहीं चलना। तो इसलिए मैंने इसको पूरा 24 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दिया था। अब ये मैरिनेट हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, इसको स्टीम करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, एक खुले मुंह वाला पैन, जैसा कि मैंने ये कढ़ाई ले ली है जिसका थोड़ा सा ये नीचे वाला हिस्सा मोटा है, इस तरह से आपने ये कढ़ाई या पैन जो है वो अपना ले लेना है और उसके अंदर जो चिकन है वो आपने इस तरीके से रख देना है। रखने के बाद ये जो दही वाला पानी है हमारे पास, जो मसाले वाला है, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसकी जो चिकन की दोनों टांगे हैं उसको मैंने एक धागे के साथ बांध दिया है। ये बहुत ही ज़रूरी है, यहाँ पर इसको हमने लाजमी बांधना है ताकि ये टूटे ना। तो चलिए अब मैं इसको कवर करके चूल्हे पर पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसको चूल्हे पर पकने के लिए रख दिया है। पहले 1-2 मिनट जो है मैं इसको तेज आंच पर पकाऊंगी। जैसे इसको सेक लगना शुरू करेगा हम मीडियम लो आंच कर देंगे और हर 7 मिनट बाद हम ईच साइड इसको पकाएंगे। पहले 7 मिनट इस साइड से, फिर 7 मिनट और इस तरह आपने कवर करके छोड़ देना और 1 मिनट बाद जो मैं आंच है उसको स्लो कर दूंगी। अब 7 मिनट हो चुके हैं, ये आप देखें कि इसने पानी वगैरह अपना खुद ही छोड़ा है। अब हम क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे।
तो आपने बहुत ही एहतियात के साथ 2 चम्मच ले लेने हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि ये टूटे ना। और अब मैं फिर इसको कवर करके 7 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। अब फिर से 7 मिनट हो चुके हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आप ये देख सकते हैं यहाँ यहाँ से कि गोश्त जो है वो हमारा बिल्कुल नियर टू कुक है, ये पकने वाला है। अब हम मजीद क्या करेंगे, इसकी साइड चेंज करेंगे बिस्मिल्लाह। इस तरह से जो चरवे की रेल लुक है वो आपके सामने है। ये आप देख सकते हैं गोश्त की पोजीशन को कि ये पक चुका है, लेकिन बस हम मजीद इसको 5 से 7 मिनट पकाएंगे। चलिए व्यूअर्स, अब 7 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुका है और अब हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको बिल्कुल ठंडा करने के बाद फ्राई करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर जो है हम ऑयल डालेंगे चरवे को फ्राई करने के लिए, और इसको जो है हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। आपने ये ध्यान रखना है कि हमारा जो ऑयल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म हो। अगर ये ऑयल जो है वो गर्म ना हुआ तो हमारा जो चरगा है वो थोड़ा सख्त हो सकता है, तो इसके लिए हमने ये मेक श्योर करना है कि हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो जाए। ये देखें व्यूअर्स, हमने कढ़ाई में ऑयल लेकर इसको अच्छे से गर्म कर लिया। आपका जितना अच्छा घी गर्म होगा उतना अच्छा आपका चरगा जो है वो फ्राई होगा। तो अब मैं इसके अंदर चरगा डालकर इसको फ्राई करूंगी। साथ साथ हम क्या करेंगे, इस तरह इसके ऊपर जो है वो ऑयल डालकर इसको पकाते जाएंगे। फ्राई करते हुए आपने इस बात को याद रखना है कि आपने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ओवर कुक नहीं करना। हमने जस्ट इसका कलर चेंज करने के लिए इसके अंदर फ्राई करना है दोनों साइडों से, और फिर हम इसको डिशअप करेंगे। अगर आप इसको ज़्यादा पकाएंगे तो फिर ये सख्त हो जाएगा। ये देखें व्यूअर्स, मैंने चरगे को जो है डिश आउट कर लिया है। अब हम इसको गार्निश करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारा लाहौरी चिकन चरगा जो है वो पककर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको हमने टमाटर और प्याज के साथ गार्निश किया है, ग्रीन चिलीज के साथ भी, और इसको हमने रायते के साथ सर्व किया है। इसके साथ ही आज की हमारी ये रेसिपी कम्प्लीट होती है। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपी इसके साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन आपने जाने से पहले क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोज को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।